नमस्कार। आज हम कर रहे हैं उमा शंकर जोशी द्वारा लिखी हुई कविता छोटा मेरा खेत का शब्दार्थ और इसका अर्थ। सरल शब्दों में आज हम इसका अर्थ कर रहे हैं। इस कविता में कवि ने रूपक के माध्यम से कवि क्रम को कृषक के समान बताया है, यानी कवि अपने आप को कृषक के समान बता रहा है, किसान के समान बता रहा है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पुष्पित पल्लवित होकर वह पक जाता है, उसके बाद उसकी कटाई होती है और जनता का पेट भरता है। कवि कागज को अपना खेत मानता है। किसी क्षण आई भावनात्मक आंधी में वह इस कागज पर बीज वपन करता है, यानी बीज बोता है। कल्पना का आश्रय लेकर वह भाव विकसित हो जाता है और यही बीज का उगना है, और फिर वहाँ शब्द के अंकुर निकलते ही कृति स्वरूप ग्रहण करने लग जाती है, यानी कविता बनने लग जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि कहता है, मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। कागज का एक पन्ना मेरे लिए छोटे से चौकोर खेत के समान है। अंतर इतना है कि किसान जमीन पर कुछ बोता है और मैं कागज पर कविता उगाता हूँ। जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाता है और कोई बीज उगाता है, उसी प्रकार मेरे मन में कोई अचानक जो आंधी आती है उसमें समान कोई भी भाव होता है मेरा, जो बीज बन जाता है और वह बीज मैं अपने कागज के पन्ने पर उगा देता हूँ, जो अचानक ही उग जाता है। जिस प्रकार धरती में बीज बोया गया है, उसी प्रकार से बीज जो है कागज पर मैं उगा देता हूँ, और वह रसायनों, हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है और उसमें से अंकुर, पत्ते और पुष्प फूटने लग जाते हैं। उसी प्रकार कवि के मन में जो उठे हुए भाव हैं, कल्पनाएं हैं, वो सब कल्पना का रसायन पी करके उस भाव को अहम मुक्त कर देते हैं और सभी कविता का विषय बन जाते हैं। तब शब्द में से अंकुर फूटते हैं और कविता का रूप धारण करके पत्तों और पुष्पों से लदकर विशेष रूप से झुक जाते हैं, यानी कि सबके सुनने में कविता आ जाती है, यानी सबके लिए समर्पित हो जाती है। जिस प्रकार अन्न से जनता का पेट भरता है, उसी प्रकार से कविता को सुन करके लोगों का मन प्रसन्न होता है। इस कविता में कवि ने अपनी तुलना किससे की है? किसान से की है, और वह जिस प्रकार खेत में बीज बोता है, उसी प्रकार कविता के रूप में कवि भी अपने भावों के बीज उगाता है। अंधड़ यहाँ पर उसके मन में जो भाव आ रहे हैं उन्हें कहा गया है, और कवि के मन में जब कोई अचानक संवेदना आ जाती है तो उससे कविता का जन्म होता है। शब्द फूटने से पहले कवि की भावना, कल्पना और अहम मुक्त होने से संबंधित तीन चरणों से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से किसान भी तीन चरणों में अपनी फसल उगाता है। कविता की रचना प्रक्रिया फसल उगाने के समान ही होती है। पहले कवि के मन में कोई भाव आता है, फिर उसके भावुक क्षण में कल्पना की आँच से शब्द जो है कविता का रंग रूप धारण कर लेते हैं। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, झूमने लगे फल रस, अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। जब कवि के हृदय में पलने वाला भाव पक कर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है, तो उसमें से अद्भुत अलौकिक रस झरने लग जाता है। आनंद की अमृत जैसी धाराएं फूटने लग जाती हैं। सचमुच किसी भाव का आरोपण एक विशेष क्षण में अपने आप दिव्य प्रेरणा से हो जाया करता है।
परंतु कविता के रूप में उसकी फसल अनंत काल तक मिलती रहती है, यानी फसल काफ़ी समय तक मिलती रहती है, भाव का बीज एक बार बोना पड़ता है। कविता की फसल ऐसी अनंत है कि जिसे जितना लुटाओ वह खाली नहीं होती है, वह युगों युगों तक रस देती रहती है। सचमुच कवि के पास कविता रूपी जो चौकोर खेत है वह रस का अक्षय पात्र है, जिसमें कभी भी रस समाप्त नहीं होता है, यानी कविता जो है शाश्वत होती है, अनंत होती है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। इसी कविता में, इसी प्रकार कविता किसी एक भावना में जो क्षण होता है, जिस समय हमारी भावनाएं उजागर होती हैं, तो हम उस वक्त जो भी लिख देते हैं वह अनंत काल तक पाठकों को रस विभोर करता रहता है। कविता रूपी खेत को यहाँ पर रस का अक्षय पात्र कहा गया है। अक्षय पात्र इसलिए कहा है क्योंकि जब तक कविता रहेगी तो उसका रस हर युग में रहेगा और उसका आनंद कभी भी ख़त्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, और प्रत्येक साहित्यिक रचना पाठकों को अपना रस लुटाती रहती है, फिर भी उसका रस समाप्त नहीं होता है, यानी कि कभी भी वह रस से शून्य नहीं होती है। नेक्स्ट कविता है बगुलों के पंख। नप में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नब छाया, तैरती सांझ की तेज श्वेत काया, हौले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पंखें। इस कविता में कवि कहता है आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए पंक्तिबद्ध विहार कर रहे हैं, उनमें इतना आकर्षण है कि वे मेरी आँखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। आशय यह है कि मैं उन्हें आकाश में काले काले बादलों की छाया छाई हुई है उसे देखकर लगता है कि मानो सांझ की श्वेत कांतिमयी काया विहार कर रही हो। यह सांझ आहिस्ता आहिस्ता आकाश में विहार कर रही है, यानी घूम रही है, और यह मुझे अपने जादू में बांध रही है। कवि को भय है कि यह रमणीय दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, इसलिए वह गुहार लगा कर कहता है कोई तो उसे जरा सा रोक कर रखो, मैं इस दृश्य को और अधिक देर तक देखे रहने चाहता हूँ। इस सुरम्य वातावरण के बीच पंख फैलाकर उड़ते बगुलों की पंक्तियाँ मेरी आँखों को चुरा ही लेंगी, इन्हें रोको, मैं इनके सौंदर्य में डूबता जा रहा हूँ। आकाश में काले कजरारे जो बादल हैं उसकी घटा उमड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि सांझ की श्वेत काया सजीव होकर आकाश में तैर रही है, लेकिन कवि इसे रोके रखना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता है।